श्री अकाल गाइस एंड नमस्ते। सो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, मैं हर रोज़ की तरह दुकान में बैठी हुई हूँ। पति चले गए हैं काम पर, बेटा चला गया है स्कूल, और अब मैं 3-4 बजे तक दुकान में ही मेरा टाइम बीतेगा। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए हमें अपना जो फोकस है सिर्फ अपने काम पर लगाना चाहिए, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और गाइस, अगर आपको कोई भी शौक़ है उसको मतलब अपने उसी पर ध्यान दीजिए। जो भी आपको बनाने का कुछ शौक़ है या कुछ ऐसे कोई भी आर्ट का शौक़ है आपको, उसके ऊपर फोकस कीजिए, तभी आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। गाइज, मेरे पास है ये काट लिया है, और गाइज ये पड़ा है मेरे पास काफ़ी सालों से। गाइज, मैंने इसे संभाल के रखा है, तो एक तो मेरे पास था ये, और मेरे मम्मी भी, उनको पता है कि ये कुछ ना कुछ बना लेती है इससे, तो गाइज मेरे मम्मी भी दे गए थे मुझे ये। ये है ड्राई फ्रूट का, दिवाली पे जो ड्राई फ्रूट्स मेरे मम्मी पापा ने हमें दिए थे वो वाले संभाल के रखा हुआ था मैंने। मैंने इसी पर्पज़ के लिए संभाल के रखा हुआ था कि कुछ ना कुछ बनाऊंगी। गाइस देखिए, मैंने इसमें से निकाला हुआ भी नहीं है ये, बिल्कुल भी ऐसे ऐसे का ऐसे पड़ा है, देखिए कितना साफ है। गाइस, कम से कम इसे 3 साल हो गए ऐसे पड़े हुए, सच में बता रही हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैंने वॉल पुट्टी तैयार कर ली है, और इसे ना मैंने पॉलीथीन में डाल के रखा था ताकि ये ड्राई ना हो, क्योंकि ये हार्ड हो जाएगी अगर इसे हवा लगी तो। गाइस ये है, मैंने जो फ्लावर्स थे इसके ऊपर लगे हुए ट्रे थी, ये ड्राई फ्रूट ट्रे, तो मैंने वो हटा दिए थे। एक सिंपल सा कार्डबोर्ड ले लिया है, और गाइस ये है वॉल पुट्टी। तो गाइस इसे प्रेस करके पूरा जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर उसके साइज़ का करना है, इसको पूरा रोल करके फिर इसको उसके साथ चिपकाना है। तो ये पेपर मैंने लिया था। गाइस, बहुत मेहनत लगती है इसको ऐसे करने में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे का पूरा ये बना रोटी सी बेल दिया, अब इसके ऊपर कार्डबोर्ड पे चिपका लेंगे, ये अच्छे से उतर जाएगी। ये वाला जो प्लास्टिक का पेपर सा है ना, इससे मैं उतार लूँगी थोड़ा थोड़ा। गाइस, मैं पानी लगा रही थी इधर, गाइस लाइट चली गई है, और फिर मेरी जो दूसरी दुकान है उस उधर वाली साइड का शटर उठा दिया था मैंने। तो गाइस, मेरे पास बैठी थी पड़ोसियों की लड़की, वो भी देख रही थी कि आंटी क्या कर रही है। तो गाइस, मैं ये पत्तियां सी बाहर लेने गई थी, तो मैंने उसे बोला आ जा मैं दिखाऊं तेरे को, मैं कुछ बना रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बोलने लगी हाँ आंटी मैं आती हूँ, तो वो मेरे पास बैठी थी। तो गाइस, ये मैंने चिपका दिया है, तो इसे अब ड्राई होने के लिए धूप में रख दूँगी। गाइस, ये शाम का टाइम है, ये ड्राई हो गया है, तो मैं इसके ऊपर से पत्तियाँ हटा रही थी। तो गाइस, इधर मैंने मेरा जो पतीला जल गया था, तो गाइस ये देखिए मैंने किससे साफ़ किया, ये मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उससे, और नींबू के रस से इसे साफ़ किया है। गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना अमेजिंग रिज़ल्ट। गाइस, ये थोड़ी सी जो नीचे वाली थी ना परत, ये मोटी थी, तो इसे मैंने स्पून से गाइस उखाड़ा ना जब, तो गाइस आसानी से उतर गई, बिल्कुल ऐसे मैंने जोर नहीं लगाया, तो बिल्कुल आसानी से उतर गई। तो गाइस, ये कमाल है सिर्फ नींबू और खाने वाले सोडे का। सो गाइस, ये देखिए मैंने इसे पानी में डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था, दोनों चीजें डाल दी थी, और गाइस मेरा पतीला एकदम चमकने लगा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस पतीले को देख के। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया हमारा पतीला, तो मैं भी पसीनी हो गई हूँ। तो गाइस ये सिर्फ मीठा सोडा जो होता है, और एक नींबू का रस, ये उससे ही सारा जादू हुआ है गाइस। और ये एक दिन क्या हुआ गाइस, मैं तो कम था दूध, उसमें मलाई ज़्यादा थी, तो गाइस मैं उसे ना गैस पे चढ़ा के आ गई, गैस का फ्लेम था फुल था रखा हुआ मैंने, क्योंकि मैं वहीं पे पास में ही घूम रही थी,
तो गाइज मैंने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि एकदम से इधर ग्राहक आ जाएगा और मेरा मैं इधर ही बैठी रह जाऊंगी। और गाइज कस्टमर आ गए, फिर आते ही कस्टमर मेरे को एकदम से दिमाग से निकल गई गाइज। तो जब मैंने मेरे को ना स्मेल सी आई, तो गाइज आई थिंक आधा घंटा हो गया था, तो मतलब मेरा जो पतीला है पूरे का पूरा जल गया था गाइज। और आज उसे मैंने साफ़ किया है, आज मेरा मन बन गया गाइज। काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे ही पड़ा था वो, मेरा मन नहीं करता था कि मैं, हाँ उसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसे साफ़ करने की। मैं हर रोज सोचती थी कि इसे कैसे साफ़ करूँ कैसे साफ़ करूँ। तो एकदम से गाइज चमक गया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे होगा। मैंने रोटी भी बना के रख दी है सहज के लिए, सब्जी मैंने सुबह बना दी थी। सो गाइज ये सूख गया है, तो जो इसके आसपास की जगह बची हुई है वहाँ पे हम थोड़ा सा रोल रोल करके वॉल पुट्टी को लगा देंगे, एक ट्रे का शेप दे देंगे इसको। तो गाइज ये बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने ये जो कन्नी सी है ना इसकी, इसके इसको मैंने चम्मच से डिज़ाइन किया था। गाइज मेरे मन में काफ़ी दिनों से ऐसे खुराफात आइडियाज़ चलते रहते हैं, पर मेरे को टाइम कम मिलता है। आज मैंने फुल टाइम निकाला है इसके लिए, फुल टाइम नहीं बोलूँगी, दुकान में बैठी हुई होती हूँ उसके साथ साथ ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को ग्राहक कम होते हैं गाइज। तो गाइज मेरे पास, मैंने जो कि वीडियो में दिखाया है आपको, ये मेरे पास पड़ा था ड्राई फ्रूट की ट्रे होती है ना, आपको मैंने दिखाई थी वो पड़ी थी। एक मेरे मम्मी भी मेरे पास दे गए थे, बोल रहे थे उनको पता है ना ये सोनू कुछ ना कुछ कर लेगी। गाइज मेरा नाम, मेरे मायके की तरफ से मेरा नाम सोनू है, उधर मुझे सोनू बोलते हैं, इधर बोलते हैं मुझे सिमर ससुराल में। तो गाइज उन्होंने भी मेरे को ला के दे दिया, उसका भी मैं कुछ बनाऊंगी इसके लिए। तो मैंने आज ये वाला तैयार कर लिया है। तो गाइज जब ये पूरा फुल रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी ये बनाया क्या है मैंने। गाइज अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सस्पेंस है थोड़ा सा। तो गाइज इसे गाइज अगर वॉल पुट्टी का थिन लेयर हो तो जल्दी सूख जाता है, जल्दी ड्राई हो जाता है। थोड़ी मोटी मोटी लेयर लगाई है हमने गाइज। अब इसको सूखने के लिए 24 घंटे लगेंगे, अब कल तक हम इसे सूखने देंगे और फिर अगला जो प्रोसीजर है हम कल शुरू करेंगे। तो गाइज आप भी ऐसे नए नए आइडियाज़ ट्राई करें, घर में वेस्ट पड़ी चीज़ को यूज़ करें और उनका अपने घर के लिए डेकोरेटिव चीज़ें बनाएं देंगे। और मैं अभी और काम कर लूँगी शाम का, मैंने रोटी सब्जी भी बनानी है गाइज। बाय बाय गाइज। शाम के 5:30 हो चुके हैं, ये भी आ गए थे काम से, तो मैंने इनके लिए गाइज शाम का टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। तो गाइज मैंने रोटी बना ली है क्योंकि सब्जी हमारे पड़ी थी। और गाइज सहज अभी पढ़ के फ्री हुआ है, तो मैं अभी यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड। गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा गाइज, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।